तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ती दुनिया। एलएसी पर युद्ध के भयंकर हालात, भारत और चीन का विवाद हुआ विकराल। अब चीन को हराने भारत के साथ आए ये चार देश, भारत के समर्थन में आए ये शक्तिशाली देश, लद्दाख सीमा पर कई घातक हथियार तैयार। अब चीन की उल्टी गिनती शुरू। दोस्तों, एलएसी पर कई घातक हथियार तैयार हैं। चीन और भारत के सैनिक लद्दाख सीमा पर स्टैंड बाय मोड में हैं। बस एक इशारा और युद्ध का आगाज। दोनों देशों के एयर डिफेंस सिस्टम, युद्ध टैंक, हवा में फायर करने वाले विमान सब ऐसे तैयारियों में हैं मानो बस सब युद्ध के ही इंतजार में हों। लेकिन दोस्तों, ये युद्ध मात्र अब चीन और भारत के बीच ही सीमित नहीं रहा है। जी हाँ, अगर ये कहें कि ये विवाद अब एलएसी क्षेत्र से ऊपर उठता जा रहा है तो कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी। दोस्तों, भारत और चीन का ये विवाद अब विश्व युद्ध की शक्ल लेता दिख रहा है और इसमें अब भारत और चीन के अलावे कई देश शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, इसके पीछे की वजह हम आपको बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि विश्व युद्ध की शक्ल लेती ये दुनिया आखिर इस पैमाने पर पहुंची कैसे। दोस्तों, हर देश किसी दूसरे देश के साथ व्यापारिक या किसी न किसी सैन्य समझौते में बंधा हुआ है, यानी व्यापार या तो जंग। इन दोनों हालातों के चलते दुनिया का हर एक देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जैसे भारत और रूस, भारत और भूटान और ऐसे भी कई देश। दोस्तों, 1962 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका ने सीधे तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया था। यहां तक कि अमेरिका ने भारत को धमकी भी दी थी कि अगर भारत युद्ध खत्म नहीं करता है तो पाकिस्तान उस पर परमाणु हमला कर देगा। और उस वक्त भारत के दोस्त रूस ने अमेरिका को जवाब देते हुए अपना युद्ध पोतर रवाना किया था और यही वजह थी कि अमेरिका को अपना वॉरशिप वापस बुलाना पड़ा था। दोस्तों, ये इसीलिए हुआ क्योंकि 1971 के समय अमेरिका पाकिस्तान के रणनीति को देखते हुए इंदिरा गांधी ने रूस से समझौता किया था कि युद्ध के वक्त भारत रूस का साथ देगा और रूस भारत का। और दोस्तों, रूस और भारत की दोस्ती अब तक चल रही है और यही समझौता अमेरिका और ताइवान के बीच में भी है। दोस्तों, चीन और ताइवान की कहानी तो आप जानते ही हैं। चीन ताइवान को अपने ही देश का हिस्सा मानता है और ताइवान को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ता। अभी हाल ही में चीन ने ताइवान पर मात्र 3 दिनों में ही 150 फाइटर जेट्स के साथ घुसपैठ किया। वहीं ताइवान ने चीन के इस विध्वंसक गति को देखते हुए ये ऐलान किया है कि अगर चीन इसी प्रकार उस पर हमला करता है तो नतीजे विनाशकारी होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एलएसी पर भयंकर तनाव के साथ साथ हम आपको चीन और ताइवान के बारे में क्यों बता रहे हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब चीन की एक गलती है जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि चीन ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाकर उसकी सेना को अपने खेमे में शामिल करने में जुटा है और चीन हर संभव प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरह बस चीन भारत को हराने में कामयाब हो जाए। लेकिन चीन भारत की कूटनीतिक चालों को नहीं जानता। अभी वो इस बात से अनजान है कि भारत सरकार उसकी हार के लिए कौन कौन से प्लान तैयार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने चीन को उसी की भाषा में सबक सिखाने का पूरा फूल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। भारत ने ताइवान के साथ मिलकर ऐसा प्लान तैयार किया है जिसे चीन सोचते ही रह जाएगा और भारत चीन को उसकी नानी याद दिला देगा। दोस्तों, हम आपको ये सब बताएंगे। भारत की ताकत बने ये चार शक्तिशाली देश। लद्दाख सीमा पर चीनी सेना की ताकत हुई आधा। मोदी सरकार की कूटनीति कर गई काम। क्या 2021 में दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा युद्ध होने जा रहा है? क्या यह महायुद्ध इस बार समंदर में होगा? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको भी जानना चाहिए। इसकी वजह है ताइवान में की गई चीन की हवाई घुसपैठ। 1 अक्टूबर से लेकर अब तक चीन के करीब 150 फाइटर जेट्स ताइवान के आसमान में दाखिल हुए हैं, जिससे बौखलाए ताइवान ने चीन को युद्ध की चेतावनी दी। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने ताइवान के समर्थन में साउथ चाइना सी में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिए हैं, जिसके बाद जानकार मान रहे हैं कि साउथ चाइना सी के ये डरावने हालात दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा सकते हैं। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने हाल ही में फॉरेन अफेयर्स में एक लेख लिखा है। लेख में जो बातें लिखी हैं वो दुनिया के लिए और खासकर एशिया के क्षेत्र के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है।
साई इंगवेन ने लिखा, हम शांति चाहते हैं लेकिन हमारे लोकतंत्र और जीवन शैली को अगर खतरा पहुंचा तो ताइवान आत्मरक्षा के लिए जो भी जरूरी समझेगा वो करने के लिए तैयार हो जाएगा। दुनिया को समझने की जरूरत है कि ताइवान अगर चीन के हाथ में चला गया तो क्षेत्रीय शांति के लिए ये विनाशकारी होगा, ये लोकतांत्रिक साझेदारी के लिए भी विध्वंसकारी साबित होगा। बता दें कि चीन ने 1 अक्टूबर को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया और उसके साथ ही उसने ताइवान के सामने अपनी ताकत और धौंस जमाने की कोशिश की। 2021 में ताइवान के खिलाफ दादागिरी की सभी हदें पार करते हुए 1 अक्टूबर से लेकर अब तक चीन के करीब 150 वार प्लेन्स ने ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की है। अकेले मंगलवार को ही चीन के करीब 56 फाइटर जेट्स ताइवान के आसमान में देखे गए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उड़ान भरने वाले चीन के इन लड़ाकू विमानों में 34 J-16 लड़ाकू विमान और 12 H-6 परमाणु बम वर्षक विमान शामिल थे। इसी के बाद ताइवान बौखला उठा और चीन को युद्ध की खुली चेतावनी दे दी। ताइवान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अगर वो हम पर यानी चीन उन पर हमला करना चाहते हैं तो उनके पास पहले से ऐसा करने की योग्यता है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि इसका समाधान कैसे निकल सकता है। हम किसी तरह की उकसावे वाली कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने दुस्साहस किया तो हम भी दिखा देंगे कि हमारे पास कैसी क्षमता है। ताइवान में हवाई घुसपैठ और ताइवान की चेतावनी पर चीन की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है दोस्तों, लेकिन चीन की हवाई घुसपैठ से साफ है कि चीन ताइवान पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रहा है और उसका अंदाजा अमेरिका को भी लग चुका है। इसीलिए ताइवान के बाद अब अमेरिका ने भी चीन को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। व्हाइट हाउस की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमेरिका की तरफ से इस संबंध में कहा गया कि अमेरिका ताइवान के पास चीन की भड़काने वाली सैन्य गतिविधियों से चिंतित है। चीन की यह हरकत क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमजोर कर रही है। चीन को चाहिए कि वो तुरंत ताइवान के खिलाफ सैन्य, राजनयिक और आर्थिक दबाव बनाना बंद करें। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद ताइवान के मसले पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बात करके भी चीन को खड़ी खोटी सुनाई। साफ है कि दुनिया के सामने बाइडेन ने चीन को लेकर जो विश्वास जताया, शायद उस पर उन्हें खुद भी भरोसा नहीं हो रहा। इसीलिए अमेरिका ताइवान के खिलाफ चीन की हर चालबाजी को लेकर चौकन्ना हो चुका है और उसने चीन को जवाब देने के लिए साउथ चाइना सी में अपने विनाशक की तैनाती कर दी है। यानी अमेरिका और ताइवान तो चीन के सामने खड़े ही हैं। अब इस लिस्ट में जापान और ऑस्ट्रेलिया का भी नाम जुड़ गया है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, यानी भारत के साथ 4 देश चीन के खिलाफ इस जंग में खड़े हैं। दोस्तों इसका अर्थ तो यह निकलता है कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को हराने के सपने देख रहा है, पर वो इस बात से अनजान है कि अपनी काली करतूतों की वजह से ये शक्तिशाली देश उसका क्या हाल करने वाले हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस तरह के तनाव क्या इशारा कर रहे हैं? क्या तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया अग्रसर हो रही है? आप इस बारे में जो भी सुझाव रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और धमाकेदार जानकारियों का इंतजार करिए।